हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर एक ब्लाउज़ नज़र आ रहा होगा जो कि ब्लैक कलर का है। ये एक रूबिया का ब्लाउज़ है, बेल्ट वाला, जिसका साइज है 46 इंच। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमसे किसी ने पूछा था कि अगर ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच है तो उसका फ्रंट बेल्ट वाला कितना एक्स्ट्रा कटेगा। तो दोस्तों, ये एक 15 इंच लंबा ब्लाउज़ है जिसका साइज है 46। इसका जो फ्रंट कटेगा वो 3.5 इंच से 3.25 इंच के बीच में आप कटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका तुरपाई का मार्जिन ऐड होगा, डॉट्स, बेल्ट का ज्वाइंट टोटल ऐड होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। 15.5 इंच आप बैक काटेंगे लंबाई, और इसको कटिंग करने के बाद आराम से आप बनाएंगे। इसमें तुरपाई का एक्स्ट्रा या बेल्ट के ज्वाइंट का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। तो अब इसको हमको कटिंग किया है, अब इसे हमें आप लोगों को बनाकर दिखाना है। तो चलते हैं अपनी मशीन पर, इस कटे हुए ब्लाउज़ को कैसे बनाया है हमने वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल ब्लाउज वाला सोल्यूशन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेल्ट वाला ब्लाउज़। तो ये कटा हुआ ब्लाउज़ है, इसमें लंबाई से कितना एक्स्ट्रा कटिंग करें, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने हमसे पूछा है कि इसमें लंबाई से कितना ज़्यादा कटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं लंबाई का मेजरमेंट। लंबाई इसकी है 15 इंच, जो कि हमने 15.5 इंच से काटा हुआ, ये है नीचे की तुरपाई का मार्जिन। अब टोटल इसकी लेंथ आ रही है हमारी 17 इंच। लंबाई से जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है, 15 इंच हमारा ब्लाउज़ है, 15 इंच लंबाई ब्लाउज़ है, तो 2.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा देंगे, हो जाएगा हमारा 17.5। क्योंकि ये बेल्ट वाला है, 1.25 इंच इसमें आप बेल्ट के ज्वाइंट का निकाल सकते हैं, चाहे तो 1 इंच भी दे सकते हैं। तो अब हमारी लंबाई बढ़ गई 3.5 इंच एक्स्ट्रा, 3.5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट वाले में, जिसमें कि तुरपाई भी अटैच है। अब इसको आपके सामने रखते हैं, यह है फ्रंट। जिसकी लंबाई आई हुई है 18.5 इंच, 1 इंच हमारा ज्वाइंट में जाएगा बाकी। अब इसको किस तरह से स्टिच करते हैं आज उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, बैग हमने बना ली है, जो कि तैयार 15.5 आएगी मार्जिन लेने के बाद। अब इसको हमें बनाना है फ्रंट। डॉट्स हमने डाल ली है, अब इसमें हम बेल्ट अटैच करने जा रहे हैं।
फ्रंट हमारा तैयार हो गया। इसकी हमें लंबाई चाहिए 17.5, जिसमें हमारी डॉट्स का हिस्सा निकालेंगे। हमको चाहिए ये 16 इंच, ये आ रहा है 16 इंच। अब इसको हम बैक से मिलाकर देखेंगे। इस चटके के बाद यहाँ जैसे हम चेस्ट मिलाते हैं, तो ये जो साइड में हमारा बढ़ कितना रहा है, 1 इंच। अब इसमें होगी हमारी तुरपाई, तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। आप अगर चाहें तो डॉट्स और गहरी कर सकते हैं। हम डॉट्स और गहरी करेंगे थोड़ी सी। सेम तरीका दूसरे साइड में भी। एक साइड की हमने पहले फ्रंट बनाई, दूसरे साइड का भी फ्रंट बन गया। अब इसको हम जा रहे हैं फिटिंग मिलाने। आर्महोल है हमारा 10 इंच, तो एक बार यहाँ से इसको 10.5 हल्का सा इसको आप अगर कम कर लेंगे दोनों साइड इतना इतना कम होगा। अब इसका मेजरमेंट है 12.5, चेस्ट है 4/4, 10.5 इंच, वेस्ट है 4/4। और हमारी जो फैशन पट्टी है सामने की आई की हुक की, वो है 8 इंच। तो यहाँ से लगाएंगे हम पाइपिंग और ये आ गया हमारा 8 इंच। अब साइड लगाने से पहले एक बार इस तरह से अगर आप नखून का इस्तेमाल लेंगे तो आपका निशान बिल्कुल सीधा हो जाएगा। एक तरफ तो निशान नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं नज़र आ रहा है। अब हम मिलाएंगे फिटिंग। आज का जो टॉपिक था वो केवल बैक से हम फ्रंट की लंबाई कितनी रखें उसका, लेकिन चेस्ट को भी हम मिलाकर देखते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। यहाँ पर जो ये बीचों बीच का सेंटर होता है वहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ लें। दूसरा साइड भी सेम तरीका। अब ये तुरपाई का हिस्सा मोड़कर इस तरह से यहाँ से कर लें कमर का मेज़रमेंट, जो हमको चाहिए 41 इंच। ये आ रहा है 41 आ रहा है। चेस्ट हमको चाहिए 12.5। एक बार मेज़र ज़रूर करें। ये आ रहा है हमारा 12। अब नाप हमारी पूरी
मुकम्मल हो चुकी। एक बार हम आर्महोल को चेक करेंगे। ये हमारा आर्महोल भी हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। थोड़ा सा जो ये नीचे वाला भाग बढ़ रहा है, ये जब यहाँ पर हम नम देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको हल्का सा कम भी कर सकते हैं, बहुत मामूली सा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, हमने आज जो चीज़ आप लोगों को बताई कि बैक से फ्रंट को कितना लंबा कटिंग करना चाहिए, 3.5 इंच, 3.25 भी आप रख सकते हैं। लंबाई हमारी है 15 इंच, जो कि परफेक्ट आ रही है। फ्रंट इसलिए थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जो डॉट्स पड़ने के बाद यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।